अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हूँ। तो चलिए आज बनाते क्या है, बहुत ही बढ़िया मजेदार डिलीशियस चटपटी फ्रैंकी, जिसका नाम है वेज चीज फ्रैंकी। बहुत ही मजा आएगा आपको, बनाकर भी खाकर भी जरूर याद रखेंगे आप मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। विदाउट टाइम वेस्ट किए साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं फ्रैंकी की रोटियों के लिए। तो एक बड़े से बर्तन के अंदर 2 कप भरकर मैदे का आटा डालिए। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, मैंने आधा छोटे चे का चम्मच डाला है। और मैं यहाँ 4 से 5 टेबलस्पून असली घी के डाल रही हूँ, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। अभी से सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगा लीजिए। जैसे नॉर्मल हम आटा गूंथते हैं तो सॉफ्ट आटा लगा लीजिएगा, एकदम हार्ड आटा नहीं गूंथना है। जब अच्छे से सॉफ्ट आटा आप लगा लें तो थोड़ा सा तेल लगाकर इसके ऊपर किचन टॉवल रख कर तकरीबन 10-15 मिनट के लिए साइड पर रहने दीजिए। जब 15-20 मिनट हो जाए तो अब इसके इक्वल पोर्शंस कर लीजिए। मैं तकरीबन 8-10-12 कर रही हूँ। आप आपके हिसाब से कितनी पतली कितनी मोटी रोटियाँ बनानी है उतनी कीजिएगा। अब सबसे पहले एक पेड़ा लीजिए और इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए और मीडियम साइज़ की रोटी बेल लीजिए इस तरीके से। अब एक तवे को अच्छा गरम कर लीजिए। जब अच्छा गरम हो जाए तो ये जो रोटी है ये डालकर इसे उलट पलट करते जाएं और मीडियम आंच पर सेक लें। आप चाहे तो पूरी तरीके से भी सेक सकते हैं, बट मैं पूरी तरीके से सेक नहीं रही हूँ और मैं कच्ची पक्की सेक रही हूँ। जब कच्ची पक्की हो जाती है तो इसे निकाल कर मैं साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से सारी आप सेक लीजिए। आप चाहे तो मेरी तरह कच्ची पक्की सेकिए या फिर पूरी तरीके से सेक लीजिए और साइड पर रख दीजिए। और इसे एक कपड़े के अंदर ढाक कर रखिएगा। हाँ चलिए अब आलू बघार लेते हैं। एक कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, उसके साथ 1 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए, मक्खन यानी मस्का। अच्छा, इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालकर इसे जीरे को तड़तड़ा जाने दीजिए। जब जीरा तड़तड़ा जाए तो 1 छोटा चम्मच कूटा हुआ या फिर बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए। मैं 1 डाल रही हूँ, आप चाहें तो 1.5 भी डाल सकते हैं छोटा चम्मच। ये डालकर इसे मिक्स कर लीजिए और इसे 1/2 और 1 मिनट तक के दरमियान में फ्राई कीजिए। चूल्हा मैंने स्लो किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। आधा एक मिनट हो गया है, अब डाल दीजिए 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ज़्यादा स्पाइसी वाला नहीं है, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 1/4 कप जितना मैंने पानी डाला है और इसे एक बार चला लीजिए। थोड़ा सा मैं और ज़्यादा पानी डाल रही हूँ सो दैट ये थोड़ा अच्छा सा भुना जाए ना। अब इसको भूनने के लिए 3-4 मिनट दीजिए। 3-4 मिनट में स्लो से मीडियम आंच रखिए और उसमें ये भून जाएगा। जब हल्का भी भुना जाए ना तो यहाँ मैं डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच चिली सॉस और 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 3-4 मिनट में जब ये अच्छा भुना जाए और तेल छूटने लगे, आप चाहें तो मीडियम आंच भी कर सकते हैं। ये देखिए अच्छा भुना गया है। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल कर लिया था, छील निकाल ली और अच्छे से मैश करके मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और इसे बहुत अच्छे से सबसे पहले तो चूल्हा स्लो कर बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, क्योंकि मैंने मीडियम कर दिया था, स्लो मीडियम के बीच में था। तो सबसे पहले स्लो कर दीजिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, एकदम मसाला जो आलू के अंदर घुल जाना चाहिए। हाँ नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने नमक तो डाला ही नहीं है। और इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया यानी कि कोथमीर, डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये जो आलू को है ना, आप 2-3 मिनट तक स्लो आंच पर इसी तरीके से भूनिए, सो दैट सारा मसाला भी आलू तक अंदर जाएगा तो और ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसमें मैं 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डाल देती हूँ, इसे भी मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से। फिर से खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे निकाल कर साइड पर रख दीजिए। अब ये रहा चाट मसाला, ये हमने जो कच्ची पक्की करके रखी है, ये सारी रोटियाँ ये रही। और ये है छुंदा प्याज, 2-3 छुंदा प्याज है। इसमें मैंने 2-3 हरी मिर्चों को बारीक काट कर डाला है। और अब इसमें थोड़ा सा सिरका डालकर मिक्स कर इसे साइड पर रख दीजिए। अच्छा, ये सिरके वाला जो प्रोसीजर है प्याज का, ये आप एंड मोमेंट पर जब सर्व कर रहे हैं तभी कीजिएगा, नहीं तो पहले से करते हैं तो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है तो मज़ा नहीं आती प्याज में। चलिए अब एक फ्राई पैन को फास्ट आँच पर गर्म कीजिए। अच्छा गर्म हो जाए तो हमारी जो रोटी है वो डाल दीजिए, चूल्हा मीडियम कर दीजिए और थोड़ा सा मक्खन डालते जाएं। उलट पलट करते हुए इसे मीडियम आंच पर सबसे पहले तो रोटी को आप फ्राई कर लें, दोनों ओर से पूरी तरीके से पका लें। जब दोनों ओर से पूरी तरीके से पक जाएगी हमारी रोटी तो
तो चूल्हा सबसे पहले तो आप स्लो कर दीजिए, और चूल्हा स्लो करने के बाद यहाँ पर मैं बीच में डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना हमारा जो मिक्सचर है आलूओं का, बढ़िया सा चटपटा सा, वो डाल दीजिए, कम भी आप डाल सकते हैं। और इसके ऊपर ये जो हमने प्याज जो सिरके वाली है वो लगा दीजिए इसके ऊपर, और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए। अब कम या ज्यादा आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और भाई साहब, अब यहाँ पर जो आपने जितना पोर्शन में डालना है ये चीज उतनी डालिए, मैं तो बहुत ज्यादा डाल रही हूँ जैसे आप देख सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है, जितनी चाहे इतनी चीज डालें, और उसको दोनों साइड से इस तरीके से पलट दें और इसे साइड पर रख दें तवे के, और उसे स्लो आंच पर रहने दें, क्योंकि ये जो अंदर की चीज है ना वो भी मेल्ट हो जाएगी। वैसे तो आप इस समय निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अंदर और चीज मेल्ट हो तो और ज्यादा टेस्ट है। तब तक आप सेम वही प्रोसीजर करिए जो रोटी को सेकने वाला है। अच्छा, ये देखिए हो चुकी है मेल्ट, तो मैं यहाँ पर बटर पेपर से इसे रैप कर लेती हूँ। आप डायरेक्टली ये जो फॉइल पेपर आता है उससे रैप मत कीजिए, अवॉइड कीजिए फॉइल पेपर, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्मफुल है। चलिए, इसे मैंने लपेट दिया और ये हो गई रेडी हमारी वेज चीज़ फ्रैंकी, मज़ेदार सी, बढ़िया सी। ये देखिए, ये दूसरा भी प्रिपेयर हो गया, और इसी तरीके से सारे बना लीजिए। ये बन गई हमारी गर्मा गर्म वेज चीज़ फ्रैंकी, बढ़िया सी, सर्व कीजिए, माशाल्लाह लग रही है ना। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ को नोट करने जैसा है, जो लाल मिर्ची का पाउडर है वो अपने स्वाद अनुसार डालिए, हरी मिर्चियाँ भी अपने स्वाद अनुसार डालिए। और खूब सारी मैंने फ्रैंकीज़ की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो बनाइए और ज़रूर मुझे टैग कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर भी, मेरे इंस्टाग्राम का नाम है जुलेखास किचन रेसिपीज़। तो कितनी खूबसूरत लग रही है, और ट्रस्ट मी मजेदार, टेस्टी भी उतनी ही है माशाल्लाह। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की, बनाए अगर आप ये रेसिपी तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है ये रेसिपी आज वाली, लाइक का बटन हिट कर दीजिए, और अगर उससे ज्यादा अच्छी लग रही है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाले वीडियो के लिंक्स फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।